मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। इंदौर में रविवार को एक और शख्स की मौत हो गई, जिसके साथ ही अब शहर में मौत का आंकड़ा 8 तक पहुंच गया है। प्रदेश में कोरोना का सबसे ज्यादा प्रभाव इंदौर में ही देखने को मिल रहा है। यहां अब तक करीब 135 से ज्यादा लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। प्रदेश की बात करें तो अब तक यहां संक्रमितों की संख्या 182 के पार पहुंच गई है। वहीं अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। इंदौर में ही लगभग 1000 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। इसके अलावा मुरैना में 12, उज्जैन में 7 और 2 की मौत हो चुकी है। जबलपुर में 8, भोपाल में 15, ग्वालियर में 2, शिवपुरी में 2 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि खरगोन और बड़वानी में 3-3 केस आए हैं, इनमें से एक की मौत हो गई है। इसी तरह छिंदवाड़ा में भी 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से एक ने दम तोड़ दिया है। संभागायुक्त इंदौर आकाश त्रिपाठी ने बताया कि अभी 4 और पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है। इनके नाम सुषमा, सलोनी, अनुष्का और कनिष्का है। इन 4 नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अब स्वस्थ हो रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। इधर CMHO का कहना है कि 4 अप्रैल को आई कोरोना जांच रिपोर्ट में एक भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है। गौरतलब है कि 100 से अधिक जांच के लिए रिपोर्ट भेजी गई थी। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.